कमलनाथ सरकार की नीतियों के विरोध में किसानों ने मुंडन कराकर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि उनकी हालत बुरी है, ना तो अतिवृष्टि में खराब हुई फसलों का मुआवजा मिला है, ना ही फसल का सही दाम मिल रहा है। किसान को कभी सरकारी तंत्र की बेरुखी तो कभी मौसम की मार झेलनी पड़ रही है। प्रदेश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। गाडरवारा में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कमलनाथ सरकार की नीतियों के विरोध में किसानों ने मुंडन करवाया, सरकार की आंखें खोलने और चेताने का प्रयास किया है। किसानों को हर बार कभी मौसम की मार तो कभी सरकारी तंत्र की बेरुखी का सामना करना पड़ता है। किसान बर्बादी की कगार पर है, किसान तंग आकर आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही, ना लागत मूल्य फसल का निकाल पा रहा है और ना ही किसान को कोई भी सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। किसान पूरी तरह त्रस्त और परेशान हो चुका है। हम इसलिए मुंडन करा रहे हैं कि हम किसान लोगों की मांगे हैं और 12-14 मांगे हैं, उसके कारण से हम मुंडन करवा रहे हैं। और किसानों की जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक अनिश्चितकाल पर हम धरना रखेंगे। मुख्य मांगे जो हैं वो क्रांति धान 2500 रुपये क्विंटल बिकना चाहिए, ऊषा बासमती 3000 के आसपास बिकना चाहिए, 41 के आसपास बिकना चाहिए। गन्ना 350-350 रुपया कुंटल गन्ना बिकना चाहिए और गन्ने पर 50 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बोनस मिलना चाहिए। और काला बाजार आदि के संबंध में हमने धरना नहीं धरा है। शासन के आज शासन प्रशासन के खिलाफ में हमने मुंडन कराया है ताकि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि किसान समाज बहुत बुरी स्थिति में है और आज किसान की स्थिति जो है कि भींग मांगने की स्थिति में किसान आ चुका है। ये सब परिस्थितियों को लेकर ये सब मजबूरियां हो गई हम लोगों को करने के लिए। किसान लोगों को जो समर्थन मूल्य वाजिब मूल्य नहीं मिलने के कारण ये शासन की नीतियों के विरोध में हम लोग बैठे हुए इधर। SDM ने बताया कि जो भी मांगे किसानों द्वारा ज्ञापन में की गई हैं, उन्हें संबंधित विभाग और अधिकारियों को भेज दिया गया है। मुख्य मांगों को तत्काल पूरा किया जाएगा। देखिए, कल पूर्व मंडी उपाध्यक्ष और किसानों के प्रतिनिधि दर्शन सिंह जी ने जो है ज्ञापन सौंपा था। ज़्यादातर जो मांगे नीतिगत मांगों से संबंधित थी, तो जो ज्ञापन था वो हमने संबंधित विभाग और जिले को भिजवा दिया है और जो तात्कालिक फौरी तौर पे जो शिकायत थी उनका तत्काल निराकरण भी मौके पे कराया गया था। जहाँ तक मुंडन का प्रश्न है, ये जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इसके संबंध में कोई जिक्र नहीं किया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।